बट मैं बहुत ज़्यादा पिंकी पिंकी लग रही हूँ बिकॉज ऑफ। हेलो गाइस, सो फाइनली वेलकम बैक टू माय चैनल द देसी बन। और मैं आ गई हूँ अगेन दोबारा, और बहुत दिनों बाद मैं आई हूँ आज ब्लॉग बनाने। अच्छा ठीक है। सो हेल्थ अपडेट, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है। यू आई साउंड मे बी लाइक अ हेल्दी एंड गुड पर्सन, बट आई हैव सम गायनिक प्रॉब्लम एज मैंने आपको बताया था। तो इट्स गोइंग वर्स्ट पर वर्स्ट एवरी डे। सो अभी मैं जा रही हूँ, कल हम गए थे डॉक्टर के पास, आज हम जा रहे हैं टेस्ट करवाने। तो और मैं अकेली जा रही हूँ, मिक्की को कुछ काम है तो मैं अकेली जाऊँगी, बच्चे हैं मम्मी के पास। सो अभी मैं जाऊँगी टेस्ट करवाने, और मुझे नहीं पता कि शुभ होता है या अशुभ होता है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जो भी हो रहा है शुभ ही हो रहा है। तो अभी चलते हैं रिपोर्ट्स करवाने, और मैं सुबह, बस अभी 12 बजने वाले हैं, 12:15, और मेरे 12 बजे का अपॉइंटमेंट है, घर के पास ही है, तो मैंने सोचा चले जाऊँ। थोड़ा बहुत काम मैंने कर लिया है क्योंकि हमारी माई नहीं आ रही है, तो काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले तो घर की लाइट्स वगैरह सब कुछ चेक करके मैं बंद कर देती हूँ। मैंने अपना ये झोला उठा लिया है, ये बहुत कंफर्टेबल है, मैं ऑलमोस्ट हर जगह यही लेके जाती हूँ। गीले बालों का यही दिक्कत है कि बाल मैं अगर ऐसे रखूँगी तो बार बार टूटेंगे। सो ये है मेरा OTT और वट एवर यू वॉन्ट टू से। ये मेरा कम्फी सा कुर्ता है जो मैंने पहना है विथ जीन्स, यहाँ पे दिखेगा नहीं, तो जीन्स के साथ मैंने पहना है। ये शेड्स लगाए क्योंकि स्कूटी पे जा रही हूँ, ये वाला झोला बैग मैंने ले लिया है, और चलते हैं। आई हेट माई गीले बाल बिकॉज रास्ते में सारे गंदे हो जाने वाले, बट क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं। तो चलो अब पहले चलते हैं टेस्ट करवाने, और फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। फाइनली आ गई हूँ अपने टेस्ट करवाने, जल्दी जल्दी से चलती हूँ, बहुत लेट हो गई हूँ मैं। लो जी, तो मैं पहुंच गई यहाँ पे अपने बेस्ट डायग्नोसिस में, और यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है मानिक। मानिक, थैंक यू सो मच, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, उसने ऑलरेडी मेरी सारी प्रोसेस करके रखी थी, और मुझे बस जाके अपना अल्ट्रासाउंड करवाना था, सारे डॉक्यूमेंटेशंस हो चुके थे, लेकिन मैं 15 मिनट्स लेट हो गई थी, और इसी वजह से मुझे 5-10 मिनट और भी वेट करना पड़ा, और उसके कारण मेरा फेस हो गया ऐसा। उसके बाद मेरा नंबर आ गया और मुझे कहा कि आप अपना ब्लडर खाली करके आओ, और मैं वहीं गई थी, लेकिन मैं सोच रही थी पता नहीं मैं कहाँ फंस गई हूँ। और उसके बाद फाइनली मेरी सारी प्रोसेस हो गई थी, और मैं रिपोर्ट्स के लिए यहाँ पे बस बाहर वेट ही कर रही थी और नज़ारा देख रही थी, सोच रही थी सब कुछ अच्छा हो। सो फाइनली रिपोर्ट्स आर डन, हो गया सब कुछ, और चलते हैं अंदर। पता है दिक्कत क्या है, थोड़ा सा तो दिक्कत आया है, पहले अंदर चलते। रिपोर्ट्स में थोड़ी सी गड़बड़ है, और हो सकता है हमें सर्जरी के लिए जाना पड़े। होप फॉर द बेस्ट कि मेरी सर्जरी ना हो, बस मेडिसिन से काम हो जाए, बिकॉज यार बहुत आई इज लाइक एनी थिंग, मुझे सर्जरी नहीं पसंद। और पिछले कुछ टाइम से ना मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है, आई डोंट लाइक टू शेयर एवरी टाइम एवरीवेयर, सो कई बार नहीं होगा, लेकिन चलता है। से हम लोग धूप में आ गए, और अब सबसे पहले चलते हैं घर। ट्रैफिक जाम ऑल ओवर सारा। मैं स्कूटी लेके आई हूँ, और क्योंकि अकेला आना होता तो स्कूटी जिंदाबाद, और मेरे घर से काफ़ी पास है, तो इसी वजह से। एंड पहले ना मुझे थोड़ा सा हेजिटेट होता था ऑन रोड व्लॉगिंग वगैरह करने में, लेकिन अब मुझे होता नहीं है, बहुत टाइम हो गया, तो दैट्स ओके फॉर मी, कूल, सब देखते हैं, लेकिन आई लाइक दैट अटेंशन। तो चलो अब पहले चलते हैं घर और फिर बात करते हैं। सो फाइनली हम आ गए घर, और घर आने के बाद अब पहले खाएंगे खाना, और मैं छोले ले आई हूँ। मैं एक्चुअली मैं सब्जी बनाना भूल ले गई थी, मैंने सोचा था मैं छोले ले आऊँगी, बिकॉज सुबह ना बहुत हॉश में मुझको जाना था, और मेड भी नहीं आ रही है, तो बहुत सारा काम होता है अभी तो, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। आई मीन वैसे ठीक है, बट मेरे को कभी कभी ना बहुत वीकनेस फील होती है, आई डोंट फील लाइक कि मेरे को कुछ करना है, और
और क्या यस, तो अभी पहले रोटियां बनाऊंगी, छोले मैं ले आई हूँ और रोटी घर पे ही बना दूंगी, और फिर हम पहले खाना खाते हैं जब तक युवराज सो रहा है, हो सकता है तब तक वो उठ जाए, और खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करूंगी बिकॉज ऑलरेडी मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और आई डोंट फील लाइक टू डू एनी थिंग गाइस। तो अब थोड़ा सा फुकरा इंसान को देखते हैं, अभिषेक मल्हान। तो यस, मुझे बिग बॉस OTT में बहुत पसंद है और रियल लाइफ में बहुत अच्छा है। तो अब सबसे पहले रोटियां बनाते बनाते थोड़ा सा एपिसोड देखूंगी, उसके बाद खाना खाऊंगी और थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूंगी बिकॉज बहुत थक गई हूँ गाइस, बहुत थक।